अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आप सब लोगों को जो हमारे देखने वाले हैं कुकिंग विद नाज़नीन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम आप लोग को अपने चैनल कुकिंग विद नाज़नीन में खुश आमदीद कहते हैं। और व्यूवर, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज ईद का दिन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जौन सा है वो सालन तैयार कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कलेजी जौन सी है वो सुन्नत है, सुनते नबी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कलेजी तैयार की है। कलेजी की जौन सी रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने जौन सी है मटन चॉम्प्स, वो हम लोगों ने तैयार की, मतलब चाम्पे इसको कहते हैं, हम लोगों ने वो बनाई है मसाले वाली। तो ये दो रेसिपी हमने शेयर की है। और अब हम खाना खाने के लिए बैठ गए, तो मम्मा ने खाना शुरू भी कर दिया है। और अब मम्मा की तरफ चलते हैं और मम्मा से कहते हैं कि आप भी अब जरा अपने देखने वालों को, अपने बहन भाइयों को ईद की मुबारकबाद दे दें। और आप सब लोग हमें बताएं कि आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है, आप लोगों ने कुर्बानी कर ली है। चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो खाना भी शुरू कर लिया, आप भी आ जाएं जल्दी से। और आज ईद का दिन है, हमारी सब की तरफ से आपको, सब बहन भाइयों को ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हजारों ईदें देखनी नसीब करे, हमारी सब बहन भाइयों को। आमीन। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना है। वही मैं चखने लग गई थी ना, मैंने कहा चलो मैं चखूँ तो सही, भी बच्चे तो बताएंगे बाद में कि कैसा है, मैं अपने बहन भाइयों को बताऊं। और देखें आज माशाल्लाह ईद हो गई है, पहले कुर्बानी की थी, कसाई आए हुए थे, हमारी वीडियोस भी लेट हो गई, तो मतलब देखने वाले कुछ कहते कि आप लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे एक दो दिन से, तो बस इसी वजह से जरा थकावट थी और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। हाँ जी। तो हम बारिश भी बहुत थी, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। अपने पापा को भी बुला लो, खाना खा लें आगे, पापा आप भी खाना खा लें। और इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग वीडियो तो मतलब टाइमली नहीं अपलोड कर सके। और हम लोगों ने मतलब चांद रात की वीडियो भी हमारी लेट हो गई, और कुर्बानी की भी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए ज़रा वीडियो हमारी लेट होगी। लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग रेगुलर जो से वीडियोस वो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये, अगर आप लोगों ने कोई ईद के हवाले से रिक्वेस्ट करनी है, कोई वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ईद की रेसिपीज़ के हवाले से, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि विद नाज़नीन में आपको जो सी है वो रेसिपी सिखा देंगे। और अब खाना शुरू कर ले हम लोग। हाँ जी, इजाज़त ले लें। ठीक है, बस हम लोगों ने छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की कि हमारा दस्तरखान यहाँ पर लग गया है। और इसी तरह अल्लाह ताला के दस्तरखान को शालबा रखे। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब सिर्फ इन्होंने दो सालन बनाए हैं, ज़्यादा नहीं ज़्यादा ये कि हम तो तकरीबन दो तीन दिन से खाना खा ही नहीं रहे, गर्मी के से खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा। और इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा ही बनाया कि चलो ये खा ले, वैसे भी ज़्यादा लोग हों तो देखो देखिए दिल कर लेता खाने का। बच्चे ज़्यादा खाते हैं नहीं, मियाँ साहब भी नहीं खाते ज़्यादा, गर्मी के से दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, उन्होंने मना किया हुआ खाना ज़्यादा। तो बस इसीलिए हम लोगों ने ये दो चीजें बनाई, चावल भी नहीं अभी हम लोगों ने बनाए। छोटे बच्चे तो मेरे बिल्कुल नहीं गोश्त खाते, वो तो सिर्फ मसाला ही खाएंगे। वो टिक्कियां भी अभी हम लोगों ने मतलब पड़ा हुआ है कुर्बानी की, और अभी तक एक बोटी हम लोगों ने नहीं खाई, बस अभी हम लोगों ने ये बनाया है और अब इसको हम लोग खाने लगे हैं। आप बच्चे कह रहे थे टिक्कियां बना के, तो मैंने कहा अच्छा मैं कीमा करवा के ना फिर बनवा के देती हूं। हां, कीमा करवा के फिर हम लोग टिक्कियां बनाते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। आप लोग भी अपने खाने को इंजॉय करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।